हेलो एवरीवन, कैसे हो? इट्स मी द नितेश एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक फॉर शे। दोस्तों, आज की हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है यूट्यूब शॉर्ट्स अर्निंग। देखो, यहाँ पे कई सारे लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि जो शॉर्ट्स वीडियोज होती है उस पर जो भी व्यूज आता है तो उससे अर्निंग कितनी होती है। अगर एक शॉर्ट वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आता है देन वहाँ पे कितनी अर्निंग होगी। तो दोस्तों, अगर आपके भी दिमाग में ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा रहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपका शॉर्ट्स अर्निंग से रिलेटेड डाउट या क्वेश्चन होगा वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलो, आप बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपने एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, एवरेज अर्निंग की बात करें वो भी 1 मिलियन व्यूज पे वो $3 to $5 ही होता है। अब इतना सुनने के बाद आप कहेंगे कि ये तो बहुत कम अर्निंग है, वो भी 1 मिलियन व्यूज पे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रियलिटी यही है। इंडिया में अगर आपके शॉर्ट वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आते हैं देन जो अर्निंग होगी वो $3 to $5 ही होगी। ठीक है, इससे बहुत कम चांस है कि इससे ज़्यादा अर्निंग हो। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपकी उसी शॉर्ट वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज यूएसए ऑडियंस से आता है देन वहाँ पे आपको $30 to $50 के बीच में अर्निंग होगी। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है इंडिया और यूएसए की शॉर्ट वीडियो अर्निंग पे। अब इतना सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं शॉर्ट वीडियो पे, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, लेकिन अर्निंग कम क्यों हो रही है? वैसे अगर देखा जाए तो अगर आपकी लॉन्ग वीडियोज पे 1 लाख भी व्यूज आते हैं देन उसमें आपको काफी ज्यादा जो अर्निंग होती है, लेकिन शॉर्ट वीडियो पे मिलियन में व्यूज आने के बाद भी $3 to $5 अर्निंग क्यों हो रही है? तो दोस्तों, अगर हम रीजन की बात कर रहे हैं तो इसके 2 ही रीजन है, जिसमें से पहला है कि ये तो एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है जिसमें आप मल्टीपल ऐड नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, जो लॉन्ग वीडियोज होती है उसमें आप मल्टीपल ऐड लगा सकते हैं जिससे आपके जो है लॉन्ग वीडियोज से ज़्यादा अर्निंग होती है एडसेंस के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया पहला रीज़न जो कॉमन रीज़न है। और दूसरा जो सबसे मेन रीज़न है, रेवेन्यू शेयरिंग। दोस्तों, यहाँ पे जो भी ऐड चलाए जाते हैं शॉर्ट वीडियो पे उससे जो भी अर्निंग होती है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, उस रेवेन्यू को कई सारे क्रिएटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। जैसे अब एग्जांपल से समझो कि ऐड चलाया गया, उस पर 100 रुपये अर्निंग हुई, तो उस 100 रुपये को कई सारे अलग अलग क्रिएटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे सिंगल क्रिएटर को देखेंगे तो 100 रुपये रेवेन्यू जनरेट हुआ, लेकिन उस क्रिएटर के पास 100 रुपये की जगह 10 रुपये ही यहाँ पे पहुँचा, क्योंकि उस 100 रुपये को जो है 10 क्रिएटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से जो भी अर्निंग होती है उस अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। दोस्तों, इस पर मैंने एक प्रॉपर एक्सप्लेन वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे, उस वीडियो को देख लेना, इधर नहीं तो इधर आपको आई बटन में आ गया होगा। उस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझाई है कि आखिर जो है किस तरीके से जो है जो अर्निंग होता है शॉर्ट वीडियो का वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग क्रिएटर्स में। तो अगर आप उस चीज़ को समझना चाहते हो रेवेन्यू शेयरिंग के बारे में तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। दोस्तों, यही 2 मेन रीज़न है जिसकी वजह से शॉर्ट वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आने के बाद भी लॉन्ग वीडियोज़ के कंपेयर में उस पर बहुत कम अर्निंग होती है। आई होप कि जो भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल वीडियोज़ लिख दीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में।